भारतीय न्यूज में आपका स्वागत है। कैमरामैन अभय प्रताप के साथ वीरेंद्र कश्यप। इसी बीच में समाजवादी पार्टी से पूर्व प्रत्याशी त्रिवा विधानसभा से माननीय इंजीनियर अनंत पाल जी से पूछना चाहूँगा, जैसे जो चर्चाएं चल रही हैं कि समाजवादी पार्टी से तेज प्रताप यादव जी को घोषित किया गया है, तो चुनाव में कैसा देख रहे हैं? पहली बात तो ये है कि अब चर्चाओं पर विराम होना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने अधिकृत रूप से आदरणीय तेज प्रताप जी को प्रत्याशी घोषित कर दिया। प्रत्येज गांव-गांव में चर्चा है, जैसा अभी हमने देखा था सुना था पिछले हफ्ते कि माननीय अखिलेश यादव जी आएंगे तो जो वोट नहीं देना चाह रहे थे वो भी वोट देने के लिए तैयार थे, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? है क्या कि इस देश का एक एक मतदाता इस समय विपक्ष के बड़े नेताओं से उम्मीद लगाए, तो आप जिसे ये मान रहे हो कि वो अखिलेश जी से आम आदमी उम्मीद कर रहा है, वो केवल कन्नौज के लोग नहीं उम्मीद कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान का एक एक मतदाता, हर बेरोजगार, हर किसान जो परेशान है, वो उम्मीद कर रहा है विपक्ष के नेता। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि माननीय अखिलेश यादव जी हार की डर की वजह से भाग गए, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? हार का डर तो ये है कि धुप्पल में जो सांसद बन गए पिछली बार, अब की बार पहले अभी तक सिंबल उन्हीं का खतरे में है। हमारा नेता तो 80 लोगों का भविष्य, कम से कम उत्तर प्रदेश में ही, जिस नेता के हाथ में 80 लोगों की सांसदी का चुनाव लड़वाना हो तो उनकी जिम्मेदारी बड़ी है। क्या तुलना है भाजपा के नेता से, यही टपकते रहते हैं, जो मर्जी आती है बोलते रहते हैं। जैसा देखने को मिला कि समाजवादी पार्टियों का हौसला परस्त हुआ 2 घंटे में, क्या ये सच है? इसे आप हौसला परस्त करना मत कहिए, ये मानव का स्वभाव है। जब प्रेम अपनी चरम सीमा पर होता है और उम्मीदें होती हैं तो नेचुरल है कि जब भी कोई फैसला होता है और थोड़ा सा भी मन का नहीं होता है तो मन संभलने में समय लगता है। अभी आप 2 घंटे बाद बात कर रहे हैं, 2 दिन बाद आप नामांकन में जब धमाका देखेंगे तो यही कार्यकर्ता पूरे जोशो खरोश के साथ लड़ेगा और लड़ाएगा। क्या समाजवादी कार्यकर्ताओं का हौसला जो पहले था नामांकन के बाद भी वही रहेगा? कार्यकर्ताओं के हौसले को पिछले 5 वर्ष से 50 बार तोड़ा गया। आप जिस नज़र से देख रहे हैं, हम उस नज़र से देख रहे हैं कि चूंकि कार्यकर्ताओं का हौसला पिछले 5 वर्ष में 50 बार तोड़ा गया है, तो कार्यकर्ता अपने हौसले के लिए लड़ेगा। उसकी निजी जो दिक्कतें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हैं, प्रशासन की प्रताड़ना से हैं, लोगों की ज्यादतियों से हैं, थाने और तहसील में जो उसकी जेब कटी उस बात की पीड़ा है। लड़ाई तो पीड़ा लड़ रही है, जिनका पेपर लीक हो गया, जो परीक्षा नहीं दे पाए, वो बेरोजगार लड़ेंगे, तो किसान लड़ेगा, नौजवान लड़ेगा, तो लड़ाई तो निजी है। आपको गलत लगता है कि इस समय केवल इंडिया गठबंधन लड़ रहा है, इस समय हिंदुस्तान का एक एक नागरिक जो संविधान परस्त है, जो संविधान में भरोसा रखता है, जो अपने महात्मा बुद्ध से लेकर के महात्मा गांधी या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर लोहिया को मानने वाले लोग हैं, जो जय जोहार का नारा लगाते हैं, जो जय भीम का नारा लगाते हैं, उन सबको लगता है कि ये आरएसएस की विचारधारा भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से इस देश के संविधान के साथ साथ आरक्षण, नौकरियों, सबके साथ खिलवाड़ करती है। तो ये लड़ाई डायरेक्ट है, आप गलत व्याख्या मत करिए कि ये किसी प्रत्याशी से कहीं कोई मान्यता वो है। प्रत्याशी पार्टियों के होते हैं, अगर गठबंधन में ये सीट कांग्रेस के पास चली जाती तो प्रत्याशी कोई और होता, निशान हाथ का पंजा होता, अगर आम आदमी पार्टी को दे दिया जाता तो झाड़ू निशान होता। सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है इस बात से? फर्क तो इस बात से पड़ता है कि 2/3 बहुमत ला करके मोदी सरकार अपने 3rd टर्म में चुनाव, लोकतंत्र, संविधान, नौकरियां, आरक्षण, सबके लिए खतरे की घंटी नहीं, ये खतरे का घंटा है। ये जो आपको राम का घंटा सुनाई पड़ता है, ये राम के पीछे छुपे हुए रावण और अहिरावण हैं।
क्या आप जो है 100% कह सकते हैं कि जितने वोटों से माननीय अखिलेश यादव जी जीत रहे थे तेज प्रताप क्या उतने ही वोट पाएंगे? तेज प्रताप जी वोट उससे ज़्यादा पाएंगे। निजी संबंध भी कोई चीज़ होते हैं, जब वो आएंगे लोगों से सीधे जुड़ेंगे मिलेंगे तो परिवार के सदस्य हैं। जब बड़े को इतना सम्मान मिला जिनको हम भैया कहते हैं तो ये तो सैफई परिवार के और नेता जी के नाती हैं, भैया के भतीजे हैं, तो चुनाव तो हरा ही दिया जाएगा पाठक जी। क्या आपका इंडिया गठबंधन सरकार बना रहा है? इंडिया गठबंधन पूरी तरह से तैयार है सरकार में आने के लिए, और न केवल सरकार में आने के लिए, बेरोजगारों को एक वर्ष के अंदर एक गारंटी पत्र जारी किया है इंडिया गठबंधन ने, खासतौर से कांग्रेस की ओर से, कि वो तमाम महिलाओं को एक वर्ष में, बेरोजगारों को 1,00,000 रुपया देंगे, महिलाओं को पेंशन देने का काम करेंगे, नौजवानों को नौकरियों की गारंटी करी है कि अगर उनकी सरकार इस दौरान जनता चुनेगी तो 30,00,000 नौकरियों भर्ती फाइनल हो जाएंगी। मोदी जी की तरह 15,00,000 का झूठा वादा वादा नहीं है, ये गारंटी है राहुल गांधी जी की और कांग्रेस की गठबंधन की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया आपका, बहुत 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 शुक्रिया आपका, धन्यवाद आपका जानकारी के लिए। इसी बीच में डीडी भारती न्यूज वीरेंद्र कश्यप के साथ अवैध प्रताप सिंह कैमरामैन। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।